हर इंसान अपने जीवन में कामयाबी पाना चाहता है, जिसकी वजह से वह अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता है, बहुत मेहनत करता है, तब जाकर उसे कामयाबी मिलती है। तो दोस्तों आइए मैं आपको दीपक जोशी की आज पूरी स्टोरी बताऊंगा। 0 फॉलोअर्स से लेकर अब तक के जितने भी फॉलोअर्स हैं, यहाँ तक का उनका सफ़र कैसा रहा और उन्होंने ये कामयाबी पाने के लिए कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की, वो सारी बातें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उनकी कहानी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको उनकी लाइफ स्टाइल के भी बारे में कुछ बातें बताऊंगा। तो चलिए दीपक जोशी को जान लेते हैं, आखिर कौन है दीपक जोशी। दीपक जोशी का पूरा नाम दीपक जोशी है और अगर इनके निक नेम की बात करें, इनका नाम दीपक है लेकिन प्यार से इन्हें लोग दीपू बुलाते हैं। अगर इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इनका डेट ऑफ बर्थ 10 जून 1999 सिरोही के राजस्थान में इनका जन्म होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अभी ये सिर्फ 20 ईयर्स के हैं और इनकी नेशनलिटी इंडियन है। दीपक जोशी बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्यूट थे, इस वजह से उनको बचपन से ही घर के ही लोग नहीं बाकी बाहर के लोग ही बहुत ज़्यादा प्यार देते थे। अगर बात करें दीपक जोशी के फैमिली मेंबर्स की, तो उनकी फैमिली मेंबर्स में उनके मॉम हैं और डैड है और उनकी एक छोटी सिस्टर भी है। छोटी सिस्टर को आप लोगों ने उनकी कई सारी वीडियोज़ में भी देखा होगा। अगर दोस्तों बात करें इनकी एजुकेशन की, तो दीपक अभी अपनी पढ़ाई अजीत विद्या मंदिर सिरोही के राजस्थान के स्कूल से कर रहे हैं। दीपक जोशी एक्टिंग के साथ साथ पढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और वो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा आगे हैं। पढ़ाई के साथ साथ बंदे ने अपना टाइम को निकाल कर टिकटॉक पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपना पहला वीडियो जो कि अप्रैल 2019 में अपलोड किया था टिकटॉक पर, जो कि एक लिपसिंग वीडियो था, लेकिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा। तो दीपक जोशी को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलने लगा टिकटॉक पर, तो उन्होंने और भी ज़्यादा टाइम टिकटॉक पर देने लगे और आज काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स है। अगर इनके टिकटॉक फॉलोअर्स की हम बात कर लेते हैं अभी की, तो अभी इनके टिकटॉक अकाउंट में 13 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स कंप्लीट है। अगर दोस्तों हम इनके इंस्टाग्राम आईडी की बात करें, तो वहाँ पर भी 3,90,000 तक फॉलोअर्स इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों काफ़ी तेज़ी से ये वायरल हुए हैं, अभी तक इनको टिकटॉक पर आए हुए 1 ईयर भी नहीं हुआ है और इतनी तेज़ी से वायरल हुए हैं। दीपक जोशी के फॉलोअर्स कैसे गेन हुए, तो मैं आपको बताता हूँ। अगस्त 2019 में इनके फॉलोअर्स 500 के थे और सितंबर के लास्ट होते होते इनका 1 मिलियन तक फॉलोअर्स कंप्लीट हो गया है इनके टिकटॉक अकाउंट में। दोस्तों जैसे ही इनका 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट होता है, वैसे और भी स्पीड में इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं। तो फरवरी 2020 में आते आते इनके फॉलोअर्स 5 मिलियन से भी ज़्यादा कंप्लीट हो गए थे। दीपक जोशी अपनी टिकटॉक वीडियो में पतले फ्रेम वाले चश्मे को लगाकर और ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं जिससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। लोग उनके इस एक्सप्रेशन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे थे और उसका कंपेयर दोस्तों वो रियाज अली से करते थे, जो कि टिकटॉक का अभी हाल फिलहाल सबसे बड़ा क्रिएटर है। और मैं आपको बता दूं, ये सेल्वी चौहान के साथ रिलेशनशिप में है या नहीं, काफ़ी लोगों का कहना है कि ये सेल्वी चौहान के रिलेशनशिप में है। तो ये सारी बातें मैं क्लियर करूंगा वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर दीपक जोशी की बात करें, तो ये दानिश जहन को देखकर उनसे इंस्पायर हुए हैं। दोस्तों ये खुद बताते हैं कि वो दानिश जहन के फ़ैन हैं। अब जब ये तेज़ी से वायरल हो रहे थे, तो इन्होंने एक अपना यूट्यूब पर वीडियोस भी बनाया था, जो कि बैंटिक चैनल पर अभी भी वो वीडियो पड़ी हुई है। दानिश जहन से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दीपक जोशी के हॉबीज की। इनकी हॉबीज टिकटॉक वीडियो बनाना, डांस करना और ट्रैवलिंग करना इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर इनके फेवरेट बाइक की बात करें, तो इन्हें रॉयल इनफील्ड की बाइक सबसे ज़्यादा पसंद आती है और जो कि इनके पास वो बाइक भी अवेलेबल है। चलिए दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं दीपक जोशी की रिलेशनशिप के बारे में। तो दीपक जोशी का रिलेशनशिप किसी से भी अभी नहीं है, वो सिंगल है। सेल्वी चौहान के साथ जो बोल रहे हैं कि उनका रिलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक फ्रेंड है। और काफ़ी लोग निशा गुरागेन के भी क्लोज हैं, काफ़ी लोग निशा गुरागेन को भी लेकर इसमें बोलते हैं, लेकिन रियलिटी जो है दोस्तों कि अभी दीपक जोशी सिंगल है, वो सिर्फ सेल्वी चौहान और निशा गुरागेन सिर्फ और सिर्फ उनकी फ्रेंड है। दीपक जोशी की हाइट 5.9 इंच है और दोस्तों इनकी वेट की बात करें, तो 60 kg के समथिंग है। दीपक जोशी की हर वीडियो मिलियंस में ही जाती है, आप लोगों ने देखा है, ये काफ़ी तेज़ी से वायरल है। तो दोस्तों दीपक जोशी के बारे में आज सिर्फ इतना ही। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और प्यार दिया,
मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दीपक जोशी से रिलेटेड, जो कि उनकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड को आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।